अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 51 फॉर क्लास 9th, और हम लोग हैं अपने यूनिट नंबर 4 पे, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एक कम सूरतों में। इन द केस ऑफ नोबल गैसेस सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स है, जबकि आम तौर पे मॉलिक्यूल्स बने हैं मोर देन वन एटम से। ठीक है, जो नोबल गैसेस हैं वो जस्ट वन एटम्स पे उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो मुश्तमिल होते हैं, जबकि जो बकाया तमाम मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मोर देन वन एटम। वो डाई एटॉमिक हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक हो सकते हैं, उसके अलावा वो हीट्रो भी हो सकते हैं। हीट्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वो मॉलिक्यूल को बनाते हैं, और उसके अलावा वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकती हैं, यानी कि उसमें सेम एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। उसके अलावा अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, जिसमें पहले बात हो चुकी है अपने लास्ट लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी अबाउट द आयनिक बॉन्ड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम आयनिक बॉन्ड्स की बात करते हैं, आयन्स होते हैं उसमें। आयनिक बॉन्ड मतलब आयन्स उसमें मौजूद हैं। आयन्स क्या होते हैं? आइदर द पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स। तो जब एक, जाहिर सी बात है, जो एक आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो सेम आयन्स के बीच में कभी भी नहीं बनता है, बिकॉज सेम आयन्स दे रिपल्स ईच अदर। वो एक दूसरे को रिपल्जन कॉज करते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं बनाएंगे बॉन्ड। जबकि अगर हम लोग अपोजिटली चार्ज आयन्स की बात करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। ये आयन्स बनते ही इसलिए हैं, जैसे अगर हम लोगों ने बात की थी सोडियम और क्लोराइड क्लोरीन की, दोनों ने मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाया, और इसके अंदर जो सोडियम के आयन्स हैं और क्लोरीन के आयन्स हैं, ये एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। बॉन्ड कब बना था? जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र कर दिया था, और इस तरह से क्योंकि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन गया, और क्लोरीन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया था, और इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन गया। तो दोनों के बीच में एक तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए बॉन्ड बना। सेकेंडली, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स हैं, इनके ऊपर अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं, जिन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, उनको ब्रेक करना, उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज ऑफ दी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो ये था हमारा पहला बॉन्ड, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पहला टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रही थी। उसके अलावा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन किया था कि जब सोडियम है वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो वो नियॉन जो एक नोबल गैस है उसके जैसी वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। क्योंकि जो ये हमारे नोबल गैसेज हैं, ये इनर्ट गैसेज हैं, ये स्टेबलाइज्ड फॉर्म में हैं, ये मज़ीद किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी भी यही कोशिश होती है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को आइदर लूज़ करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोबल गैसेस के बराबर ले आएँ, ताकि वो भी स्टेबलाइज्ड फॉर्म में हो सकें, आ सकें। तो हमने देखा था कि सोडियम ने जब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था, तो उसने नियॉन के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया था, जबकि जो क्लोरीन है, जब उसने वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन किया था फ्रॉम द सोडियम, तो उसने आर्गन के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया था। तो दोनों ने अपने नोबल गैसेस, डिफरेंट नोबल गैसेस के जैसा अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन किया, जिसकी वजह से वो भी स्टेबलाइज्ड हो चुके थे, और इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से इनके आपस में बॉन्ड बन गया, और सेकेंडली इनका बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज़ सेकंड टाइप ऑफ कंपाउंड या सेकंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्डिंग के वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कि दोज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13
से लेकर अगर आप ग्रुप 17 तक देखें तो जब उनको आपस में आप रिएक्ट करने दें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 और 17, ठीक है, 13 से लेकर 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनको जब आप आपस में रिएक्ट करना करवाते हैं, उनको रिएक्ट करने देते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। दोनों जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएंगे, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग है, दोनों एक दूसरे को शेयर करवा रहे होते हैं। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड। पहला टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा था? आयनिक बॉन्ड, जिसके अंदर हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली अपना एक सॉरी एक एटम कम्प्लीट ट्रांसफ़र कर देता है, कम्प्लीटली लूज़ कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, और जो दूसरा एटम है वो कम्प्लीटली उसको गेन कर लेगा। दूसरे मतलब यहाँ पे इस तरह से पार्टिसिपेशन हो रही है कि इलेक्ट्रॉन एक ने दे दिया और दूसरे ने ले लिया, बस जिसने दे दिया उसके पास से चला गया, ख़त्म। तो अब जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस तरह की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कि जिसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और वो जब हम उन्हें आपस में रिएक्ट करने देंगे तो वो आपस में कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं मिलके। किस तरह से? कि अपने जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, कोई भी दोनों हो सकते हैं पार्टिसिपेंट, वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की मदद से, यानी कि कंप्लीट शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं दोनों, तो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपना एक एक दोनों शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग कहेंगे कि दैट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। जो इनर्जी अब चेंजेस हो रही हैं ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड, जिस तरह के मैंने आपको आयनिक बॉन्ड का बताया था कि ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो इनर्जी है वो रिलीज़ होती है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बेसिकली। तो यहाँ पे भी अगर हम इनर्जी को देखें तो यहाँ पे भी इनर्जी की जो वैल्यूज़ में चेंजिंग आएगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी काफ़ी कंसिडरेबल है, यानी कि काफ़ी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं। जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। सिमिलरली रिपल्सिव फोर्सेस भी इसी तरह से क्रिएट होती हैं। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्रिएट होती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहली वाली हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस और सेकेंड है रिपल्सिव फोर्सेस। अब अट्रैक्टिव किस तरह से होती हैं? जब दो इलेक्ट्रॉन, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अगर इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है तो इनके अंदर जाहिर सी बात है न्यूक्लियस है, और हम सिर्फ यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इसकी डेवलप हो रही हैं विद द नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। ये अट्रैक्टिव हैं कि ऑपोजिट जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को, ऑपोजिट जो चार्जेस हैं एक दूसरे को, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टाइप, दैट इज़ अट्रैक्टिव फोर्सेस। सिमिलरली अगर आप सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स देखें, यहाँ पे सेकंड फोर्स कौन सी है? रिपल्सिव फोर्सेस। अब रिपल्सिव फोर्सेस जैसा कि आप जानते हैं दे अकर बिटवीन द सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच में जो इनर्जी, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस होंगी दोज विल बी रिपल्सिव फोर्सेस, यानी कि बिकॉज द सेम चार्जेस दे रिपल्स ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, इसीलिए इन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में आपके रिपल्सिव फोर्सेज होंगी। सिमिलरली जो न्यूक्लियस है वो दूसरे न्यूक्लियस को भी रिपल्स कर रहा होगा बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम चार्ज। तो अब ये बॉन्ड किस तरह से बनेगा, ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सी फोर्स ज़्यादा है। ऐसा है कि कई कई दफ़ा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनका बॉन्ड अक्सर नहीं बनता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज इनर्जीज़। इन एनर्जीज़ की वजह से अक्सर जो है एटम्स का बॉन्ड नहीं बन सकता, वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। देख लेते हैं किस तरह से, कि अगर
जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग करके उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना है, तो उस सूरत में क्या है कि इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह फर्स्ट एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन की फोर्सेज भी हैं, दूसरी बात क्या है रिपल्शन की फोर्सेज भी हैं। तो ऐसे एटम्स जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके अंदर अट्रैक्शन की फोर्सेस काफ़ी हद तक कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू रिपल्शन फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, तो उस सूरत में रिपल्सिव फोर्सेस जो होंगी वो ओवरकम कर देंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस को। वो इसकी वजह से वो ज़्यादा क्योंकि पावर में होंगी रिपल्सिव फोर्सेस, तो वो एटम्स जो हैं बजाय इसके कि वो अट्रैक्ट करके एक दूसरे के करीब आएँ, वो रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर होते चले जाएँगे और इस तरह से वो बॉन्ड जो है वो नहीं बन पाएगा। सिमिलरली दूसरा केस क्या है किस सूरत में बॉन्ड बनेगा, कि यही अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस हर तरह के जो एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं उनके बीच में हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं आर मोर एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, तो उस सूरत में ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो डोमिनेट कर जाएंगी, वो ओवरकम कर जाएंगी रिपल्सिव फोर्सेस को। बेशक उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद होंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होंगी, इसीलिए वो जो है बजाय इसके कि वो रिपल्स हो के एक दूसरे से दूर जाएँ, वो जो उनकी ज़्यादा पावर की अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, ए न्यूक्लियस जो है ज़्यादा पावर से दूसरे इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस ज़्यादा पावर से दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो एटम्स होंगे, ये एक दूसरे को ओवरकम कर जाएंगे, एक दूसरे की रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर जाएंगे और ज़्यादा एनर्जी से एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग बॉन्ड बना देंगे। तो ऐसी सूरत में जो ये बॉन्ड बनता है जिसमें हम लोग जिसमें एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, नॉट द इनर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये याद रखें कि जब भी कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है तो उस वक्त जो है सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं या चाहे हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग फुल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़रूर मेंशन करते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि वो कौन से नोबल गैस के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे आफ्टर लूजिंग या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो लूज़ होगा इलेक्ट्रॉन वो आउटर मोस्ट शेल से ही लूज़ होता है आयनिक बॉन्ड में, और जो गेन होकर आएगा इलेक्ट्रॉन वो आउटर मोस्ट शेल में ही मौजूद होगा आके जब वो गेन होके अंदर आता है एटम के। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वहाँ पे जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनका कोई रोल नहीं है, कुछ भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं जब तक के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि जैसे अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं तो इस वाले एटम ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन पेश किया है फॉर द शेयरिंग, और दिस एटम जो है इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना दिया है फॉर शेयरिंग। तो दोनों जो हैं अब इसके पास अपने एटम का भी थोड़ा सा हिस्सा होगा और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन का भी हिस्सा होगा, इस एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन का भी कुछ पार्ट होगा और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन का भी कुछ पार्ट होगा। इस तरह से वो अपनी जो वैलेंसीज हैं उनको कंप्लीट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेगा टू अटेन टू द नियरेस्ट नोबल गैस। इसी तरह ये एटम है इसके पास भी इस वक्त अपने इलेक्ट्रॉन का भी शेयर होगा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया है दूसरे मेंबर ने उसका भी उसके पास हिस्सा होगा। तो इस तरह से ये भी जो है अपना अपना जो बॉन्ड है अपनी वैलेंसीज हैं उनको कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि ये जो दो एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ये दोनों जो हैं एक ही तरह के एलिमेंट्स से बिलोंग करते हों, दिस इज़ नॉट कंपल्शन। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एलिमेंट्स से बिलोंग करते हों।
ऐसा दोनों कंडीशंस में ज़रूरी नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ दोनों की हैं। चाहें तो सेम एटम्स भी एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, और चाहें तो डिफरेंट एटम्स भी एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में सेम एटम्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि जो हमारा आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, सेम एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करके बॉन्ड नहीं बना सकते। आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड्स यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कुछ मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।